फिल्म की शुरुआत होती है एक रोमांटिक डेट से जो दिल को खुशनुमा कर देता है, और रोमांटिक डेट में भी ट्विस्ट है जो कि एक क्राइम सीन में तब्दील हो जाता है, और ये आपको अचरज में डाल देगा कि भैया हुआ क्या है। एक ऐसा बंदा हर उस लड़की और औरत को मारता है जो कि वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करती है। फिल्म के शुरू होने के कुछ समय बाद ही हमें मर्डरर के बारे में पता चल जाता है, लेकिन फिल्म की कहानी इतनी दिलचस्प है और इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि हम पूरी तरह से फिल्म में खो जाते हैं। और एक ट्विस्ट तो तब हमें नज़र आता है कि एक लेडी अंडरकवर इसमें एजेंट है, जो हमें धीरे धीरे पता चलता है 18 साल की उम्र में उसने ये ज्वाइन किया था, लेकिन 12 साल बाद पूरा जो फोर्स है उसे याद करता है, क्योंकि और कोई वहाँ पर कोलकाता में नहीं होता है फोर्स, और उस लेडी को खोजा जाता है। और उसमें और दिलचस्प तरीके से दिखाया गया है कि एक हाउसवाइफ कैसे वो अंडरकवर एजेंट में तब्दील होती है जो पहले से थी, लेकिन उसे फिर से वो सब भूल जाती है और फिर से वो अपने फैमिली में पूरी तरह से घुल जाती है। और कैसे ये पूरी फिल्म आपको दिखाई गई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से फिल्म दिखाई गई है, और बहुत ही मज़ेदार तरीके से इस टॉपिक को भी लिया गया है कि हाउसवाइफ सिर्फ हाउसवाइफ नहीं होती, अगर हाउसवाइफ एक दिन का छुट्टी ले ले तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा भाई घर में। तो इस लेडी अंडरकवर एजेंट को सौंप दिया जाता है ये काम कि आप उस मर्डरर को पकड़िए, और बहुत ही दिलचस्प तरीके से पूरी फिल्म को दिखाया गया है। फिल्म आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी जो कि आज रिलीज़ हो गई है। फिल्म का ड्यूरेशन है 1 घंटे 47 मिनट का, और इसमें आपको राधिका आप्टे की कमाल की एक्टिंग देखने को मिलेगी, जो हाउसवाइफ से तब्दील होकर वो लेडी सुपर कॉप या अंडरकवर एजेंट में तब्दील होती है। और बहुत बारीकी से पूरी फिल्म को दिखाया गया है और एक मैसेज भी दिया गया है।